बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मानो। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी सब्जी, गवार की फैली आलू। तो चलें आज की हम सब्जी रेडी करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी मजेदार रेसिपी फौरी मिलती रहे। तो चलें आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गवार की फली के लिए मसाला रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम मसाला रेडी करते हैं। एक मैंने पैन ले लिया है, 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें लहसुन शामिल करूंगी। लहसुन मैंने तकरीबन 5 से 6 जवे चॉप करे थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। लहसुन को देखें, मैं तेल में सौते कर रही हूँ और इसको ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना। इसमें गवार की फली में बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप लोग भी ज़रूर पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है गवार की फली की। देखिए लहसुन अच्छी तरीके से हमारे हो चुके हैं, इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करूँगी मैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर, जो तकरीबन मैंने 2 अदर टमाटर चॉप किए हुए वो मैंने शामिल कर दिए हैं। 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर और लहसुन को अच्छी तरीके से तेल में मैं पका रही हूँ। और अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। 1 टीस्पून में इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून में इसमें साबुत जीरा शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का शामिल किया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। मसाले बस मैं इसमें यही शामिल करूंगी, मैं इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती, क्योंकि इसी तरीके से इसमें लहसुन का अच्छा सा फ्लेवर आता है और कम मसालों में ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून रही हूँ। टमाटर भी देखिए अच्छी तरीके से हमारे इसमें घुल चुके हैं, मसाला भी अच्छी तरीके से रेडी हो रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि हमने इसमें लहसुन ज़्यादा ऐड किया है तो उसकी भी खुशबू बहुत मज़ेदार आएगी। आप लोग भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब मैंने इसमें 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें शामिल की हैं, इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं मसाले में। तेज़ आंच पे मैं मसाला अच्छी तरीके से भून रही हूँ। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गवार की फली। बहुत से लोग गवार की फली को बॉईल करते हैं, लेकिन मैं बॉईल नहीं करती, मैं इसको स्टीम पे ही दम पे ही पकाती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाती है, पक जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। गवार की फली मैंने इसमें शामिल कर दी है, तकरीबन ये गवार की फली 1/2 किलो है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरीके से देखिए तेज़ आँच पर मैंने गवार की फली को 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से पकाया है। तकरीबन अब 1 कप मैं इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ। पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरीके से हम इसको हिलाकर इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब मैं एक पैन ले लेती हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा तेल शामिल कर रही हूँ। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो साथ ही मैं इसमें आलू शामिल कर देती हूँ। गवार की फली में मैं आलू भी शामिल कर रही हूँ, जो मैंने पहले से कट करके वो रखे हुए हैं क्यूब साइज़ में। आलू तकरीबन मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के लिए थे, इनको मैंने क्यूब शेप में काट दिया है। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी, जैसे कि हम अपने चिप्स रेडी करते हैं इसी तरीके से मैं इन आलूओं को फ्राई कर लूँगी। देखिए 4 से 5 मिनट में हमारे आलू कितने अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और जैसे ही हमारी गवार की फली रेडी होगी फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अपने आलू। तो देखिए हमारी गवार की फली का सारा पानी भी खुश्क हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार जो है रेडी हो चुकी है और तकरीबन ये गल भी गई है बहुत अच्छी तरीके से। देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये तैयार हुई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू जो मैंने फ्राई करे हुए थे। आलू देखिए मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब अच्छी तरीके से फली में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे मैं रख दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ज़बरदस्ती हमारी गवार की फली आलू जो है वो तैयार हो चुकी है। तो देखिए आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है गवार की फली आलू की। मैंने इसमें गार्निश में थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है।
उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मुझे लाइक्स लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे नई वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।